अलीगढ़ के टप्पल थाना इलाके में स्थित नूरपुर गांव फिलहाल के दिनों में चर्चा का एक बिंदु बना हुआ है। 26 मई को गांव में रहने वाले दो पक्षों के बीच बारात चढ़ाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद मारपीट व हाथापाई की नौबत आ गई थी। इस दौरान एक पक्ष के 11 लोगों के विरुद्ध नामजद FIR की गई, जिसमें पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद घर बिकाऊ है व पलायन का नया मुद्दा सामने आया, जिसके बाद ये लड़ाई वह कहां सुनी दो समुदायों की लड़ाई बनकर रह गई। मौके पर भाजपा के नेताओं ने पहुंच अलग अलग बयान दिए। हिंदीवादी संगठन से जुड़े लोगों ने भी खूब बयानबाजी करते हुए कल हनुमान चालीसा का पाठ नूरपुर में कर दिया। अब प्रशासन ने आज दोनों ही पक्ष के लोगों को बुलाकर एक पीस मीटिंग का आयोजन किया। मुख्य रूप से इस पीस मीटिंग का मतलब इस मामले को राजनीतिक तोल देने से बचाने का है। नूरपुर में आज उप जिलाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचे। इस दौरान गांव में पहुंचकर दोनों अधिकारियों ने मुस्लिम व दलित पक्ष के 9-9 लोगों को इस मीटिंग में बुलाया। SDM ने इस मीटिंग को लेकर बताया कि ग्राम नूरपुर में एक पीस कमेटी बनाई गई है, जिसमें दोनों ही समुदाय से गणमान्य लोगों को शामिल किया गया है। हमने टप्पल थाने पर पीस कमेटी की मीटिंग DSP साहब के साथ की है। हमने इन लोगों को यही समझाया है कि गांव में जो अराजक तत्व के लोग हैं, जो बदमाशी करना चाहते हैं, उस ओर नजर रखें व नियंत्रण रखें। ऐसे लोगों की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दें। किसी भी सूरत में गांव की शांति व्यवस्था भंग होने नहीं दी जाएगी। जिला अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट। सर, जो पीस मीटिंग हुई सर, इसमें क्या महत्व, क्या बातें कही गई? ग्राम नूरपुर के ग्रामीणों की एक पीस कमेटी बनाई गई है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग, गणमान्य लोग शामिल हैं। आज पीस कमेटी की बैठक हुई है थाना टप्पल पर। मैंने CEO साहब ने बैठक दी है और वार्ता की है इस कमेटी से, और इन्हें बताया है कि गांव के जो मिसक्रिएंट्स हैं या इस तरह के एलिमेंट्स हैं, अगर कोई बदमाशी करना चाहता है तो उस पर नज़र रखें और उस पर नियंत्रण रखें, और तत्काल इसकी सूचना हमें दें। किसी भी हालत में ग्राम में शांति भंग नहीं होना चाहिए और किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पीस कमेटी के सदस्यों ने अपनी सहमति दी। उन्होंने बताया कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, हम अलर्ट रहेंगे, और गांव में अगर कहीं कोई बात होती है तो उस पर नज़र रखेंगे और उसका निराकरण करेंगे। कितने लोग सम्मिलित हुए थे पीस कमेटी की मीटिंग में? 17 मेंबरान हैं इसके। सर, दोनों तरफ से कितने मेंबर? 9 मुसलमान लोगों की तरफ से हैं और 8 हिंदुओं की तरफ से। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।